सो फ्रेंड्स, आज जो है हम चलेंगे बांके बिहारी मंदिर, जो कि है वृंदावन में, और मैं हूँ मथुरा में। तो मथुरा से बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए हार्डली जो है 15 रुपीज़ लेते हैं ऑटो में। सो हम लोग जो है अभी पहुँच गए हैं वृंदावन। 15 रुपीज़ देकर हम लोग ऑटो में आए हैं, और अभी जो है यहाँ से टोटो करके हम लोग जाएंगे। 10 रुपीज़ करके पर हेड वो लेते हैं, और ये जो रास्ता है ये है बांके बिहारी मंदिर की ओर। सो आप चाहो तो टोटो में जा सकते हो 10-10 रुपये पर हेड देकर। तो फ्रेंड्स, होटल वाले ने पहले ही हमें वार्न कर दिया है कि मोबाइल वहाँ पर आप निकालना मत, क्योंकि बंदरों जो है बंदर बहुत सारे हैं वहाँ पर, और वो जो है झपेट कर ले जाते हैं। सो मैं कोशिश करूँगी जितना हो पाएगा मुझसे, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस वहाँ पर। ये हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर का जो मेन गेट है, हम वहाँ पहुंच चुके हैं। और तरह तरह के जो है फूल माला मिठाई सब कुछ वहाँ प्रसाद वहाँ पर मिल जाएगा आपको। लाइन में फूल में बहुत ज़्यादा भीड़ था उस समय, सो आप जाते वक्त भी ले सकते हैं यहाँ से। और ये जो है आप देख रहे होंगे बहुत भीड़ है गाइस, और बंदर तो बहुत सारे बंदर है। और मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे बन पा रहा है मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। और ये गाइस ये है मंदिर के अंदर का जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, आप देख रहे होंगे लोग जो है एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं आपको सामने जाकर नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, और मैं अगर सामने गई तो श्रेयांश शर्मा भी खो जाएंगी। सो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी सामने जाने की, मैं यहीं से जो है आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल वहाँ पर लेके जाना पॉसिबल ही नहीं बन पाता है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर के बाहर का जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, और उससे भी मेन जो है मैं आपको बंदर दिखाती हूँ गाइस, बहुत सारे बंदर है। और एक बंदर ने तो जो है मेरा चश्मा लेकर भाग गया था वो, और सबने बोला कि उनको फ्रूटी चाहिए आप फ्रूटी ला के दो, तो मैंने 20 रुपये का एक फ्रूटी ला के दिया, तो उन्होंने जो है मेरा चश्मा मुझे फेंक के मार दिया। सो ये देखिए इनकी हरकतें मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बंदर आ रहा है ना गाइस, ये मेरा मोबाइल जो है झपेटने के लिए ही आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, कल फिर नए ब्लॉग के साथ नए वीडियो के साथ मिलती हूँ।